नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपके साथ अपनी एक सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की थी। वहाँ पे दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा, हम एक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते थे कि जो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स है, हम इसको चेक करते थे कि जो भी स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में आ रहा है उसके अंदर कोई प्लेजिंग तो नहीं की गई। दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे प्लेजिंग के बारे में। इनफैक्ट अगर 0.1% प्लेजिंग भी होती थी किसी स्टॉक में तो हम रूल के मुताबिक उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए था। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ये उस स्ट्रेटजी का एक रूल था। तो दोस्तों, वहाँ काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते थे कि भाई केवल 0.1% या केवल 1% अगर प्लेजिंग है तो इस वजह से भी हम क्यों इग्नोर कर देते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले समझना ज़रूरी है कि प्लेजिंग क्या होती है और इसके क्या नुकसान है, किस वजह से हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में जिन स्टॉक्स के अंदर प्लेजिंग होती थी उनको इग्नोर कर देते थे। दोस्तों, अगर लेमैन टर्म में समझा जाए, प्लेजिंग होता है गिरवी रखना। जैसे कि एक, अगर मान लीजिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास एक घर है, तो मैं वहाँ पे अगर मुझे पैसे चाहिए तो जो लेंडर है मैं उसको अपने घर के कागजात दे दूँगा, वो मुझे एक पैसा दे देगा, एक अमाउंट दे देगा। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वो घर जो है 50 लाख का है और वहाँ पे मुझे जो आवश्यकता है वो 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो मान लीजिए वो 100% अमाउंट मुझे दे देता है और वो घर जो है उसके पास गिरवी हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है कि यहाँ 50 लाख का जो एसेट है, ये 50 लाख का एसेट शेयर्स भी हो सकते हैं, तो ये जो है ये एक बेस वैल्यू होती है। कोई भी एसेट होता है उसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो भी एसेट है, घर है, गहने हैं, जो भी है, कुछ भी एक एसेट हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे केवल प्लेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बेस वैल्यू मैंने डिसाइड की लेंडर के साथ कि 40 लाख बेस वैल्यू है। अगर उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू 40 लाख तक भी आ जाती है, क्योंकि वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेंडर को कोई समस्या नहीं है और उसने मुझे 50 लाख रुपए दिए हुए हैं। तो दोस्तों, लेंडर तब तक खुश है जब तक उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मान लीजिए वो 60 लाख होगी, 70 लाख होगी, तो उसको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो अपने पैसे बहुत आसानी से रिकवर कर सकता है। लेकिन दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू, जो भी मैंने उसके साथ मान लीजिए एग्री करी एक बेस वैल्यू, मान लीजिए वो 40 लाख है, अगर वहाँ पे एसेट की वैल्यू उससे नीचे आ जाती है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि इसी बेस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको समझ में आएगा कि प्लेजिंग इतनी ज़्यादा रिस्की और डेंजरस क्यों होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे 7 ऐसे कारणों की जिनकी वजह से प्लेजिंग जो है किसी भी स्टॉक में अगर की गई है बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और क्यों निवेशकों को ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि प्लेजिंग हमेशा प्रमोटर्स के लिए एक लास्ट ऑप्शन होती है, एक आखिरी विकल्प होता है। अगर उनके सामने कोई भी विकल्प नहीं है इस समय मनी रेज करने का, मनी रेज करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में, इक्विटी डाइल्यूट करना, मतलब अपने स्टेक को डाइल्यूट कर देना, या सेल करना, या डेट रेज करना, या राइट्स इशू लेके आना, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जब ये सारे तरीके फेल हो जाते हैं तब वहाँ पे प्लेजिंग की जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई प्लेजिंग तो बेटर है अगर अपना स्टेक सेल किया जाए उससे। नहीं दोस्तों, ये बेटर नहीं है, क्योंकि प्लेजिंग मतलब जैसे कि अगर आप मान लीजिए जानते होंगे कि किसी चीज़ को गिरवी रखना एक ठीक नहीं माना जाता, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खराब हालत आ चुकी है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की। नॉर्मल रूटीन में सेल कर देना उतना खराब नहीं माना जाता किसी भी एसेट के लिए। स्टॉक में पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए प्रमोटर्स को पैसों की ज़रूरत है, अपना वो स्टेक डाइल्यूट करना चाहते हैं, या मान लीजिए उनको पर्सनल लेवल पे कुछ पैसों की आवश्यकता है, या उनको बिजनेस में पैसा लगाना है, तो वहाँ पे अगर कोई स्टेक डाइल्यूट कर दे इसका मतलब उसका खरीदार है। प्लेजिंग दोस्तों तब होती है जब खरीदार नहीं मिलता, इसका मतलब वहाँ पे लेंडर का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल उसका बिजनेस है, वो उस पर्टिकुलर एसेट को प्लेज कर लेगा
और वहां पे उसका ऑब्जेक्टिव केवल पैसे कमाना है, ना कि एसेट के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होती है। तो आप ये मान लीजिए अगर कोई भी कंपनी प्लेज करती है, कोई भी प्रमोटर प्लेज करता है अपना स्टेक, इसका मतलब उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बची पैसा रेज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो रिस्क होता है या डेंजर होता है वो होता है कि जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा भी बताया, अगर मान लीजिए उस एसेट की वैल्यू या स्टॉक का प्राइस जो है मिनिमम जो हमने बेस कोलेटरल वैल्यू या मिनिमम कोलेटरल वैल्यू जो डिसाइड करी, अगर उससे नीचे चला जाता है तो वहाँ पे जो लेंडर है वो और पैसे मांगेगा, या अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में कहा जाए तो वो कहेगा कि आप और शेयर्स प्लेज करिए। तो दोस्तों ये जो है ये एक तरह का विशियस सर्कल होता है। अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाए, जब तक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लेंडर को कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर उस स्टॉक का प्राइस जो भी उस प्रमोटर और लेंडर के बीच में एक मिनिमम कोलेटरल वैल्यू डिसाइड हुई है अगर उससे नीचे जाना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे लेंडर के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो प्रमोटर को बोले कि और शेयर्स प्लेज किए जाएं, अगर मान लीजिए प्रमोटर मना कर देता है कि नहीं मेरे पास और शेयर्स नहीं है या मैं यहाँ पे और ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं कर सकता, तो दोस्तों वहाँ पे तीसरे नंबर का पॉइंट आ जाता है, वहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो लेंडर है वो स्टॉक को डंप करना शुरू कर देता है अपने पैसे रिकवर करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब लेंडर्स डंप कर रहे होते हैं, एक इनफैक्ट निफ्टी 50 के अंदर एक पहले कंपनी होती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक एंटरटेनमेंट की कंपनी होती थी, उसके अंदर एक बहुत मैसिव डंपिंग देखी गई थी जहाँ पे लेंडर्स जो हैं स्टॉक को डंप करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट एक रिटेल की कंपनी है जहाँ पे इस तरह का फिनोमिना देखा गया। तो वहाँ पे जब लेंडर्स डंप करना शुरू करते हैं तो उस पैनिक सेलिंग के अंदर रिटेल निवेशक भी अपना शेयर सेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक स्पाइरल इफेक्ट होता है और स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो ये पैनिक सेलिंग जो है काफ़ी खतरनाक होती है किसी भी स्टॉक के लिए जिसके अंदर प्लेजिंग की गई है। और दोस्तों ये पैनिक सेलिंग के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10% या 20% शेयर्स को सेल करना ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आज की डेट में कोई अपना 1% अगर प्लेज हैं स्टॉक्स, अगर उनको भी डंप करना शुरू कर दे तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। केवल वो 1% स्टॉक्स डंप नहीं किए जाते, वहाँ पे लेंडर्स जब डंप कर रहे हैं स्टॉक को तो वहाँ रिटेल निवेशक भी इस पार्टी में जुड़ जाते हैं और वो और ज़्यादा मात्रा के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये पैनिक सेलिंग जो है एक तरह की साइकिल होती है। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो है क्रॉनिक प्लेजर्स, मतलब कुछ कंपनीज, इसकी चर्चा मैं पहले वाले वीडियोस में भी कर चुका हूँ, वहाँ पे उनका एक रूटीन होता है प्लेजिंग करना, मतलब एक शौक है, एक खेल है उनके लिए, ये उनके लिए एक बिजनेस है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो क्रॉनिक प्लेजर्स होते हैं, जब भी उनका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा होता है या बुलिश मोमेंटम में होता है तो वो जो है प्लेज कर देते हैं, फिर वहाँ पे वो स्टॉक का प्राइस नीचे आता है या मान लीजिए वो बेस कोलेटरल वैल्यू से नीचे आ जाता है या वहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, तो जब वो स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है तो वहाँ पे वो अपनी प्लेज को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो ये फिनोमिना हमने एक निफ्टी 50 की कंपनी में भी देखा था कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आके प्लेज करना शुरू कर देते थे, जब वो कंपनी का स्टॉक 400 के आसपास आता था तो वो प्लेज करना शुरू कर देते थे, और जब वो स्टॉक 300 के आसपास या नीचे की तरफ जाता था तो वहाँ पे प्लेज को रिलीज करना शुरू कर देते थे। तो दोस्तों ये जो प्लेजर्स होते हैं ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पांचवें नंबर का जो रिस्क होता है वो होता है कि अगर मान लीजिए मैं अपना स्टेक सेल नहीं कर पाता, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि ये एक लास्ट ऑप्शन होती है, तो मान लीजिए अगर मैं अपना स्टेक सेल नहीं कर पाता तो वहाँ पे प्रमोटर्स के लिए प्लेजिंग जो है एक एग्जिट रूट होता है अगर उनको अपना स्टेक सेल करना है। तो ये एक एग्जिट रूट की तरह इसको लिया जाता है जहाँ पे प्रमोटर्स अपना स्टेक एक इनडायरेक्टली सेल करते हैं, मतलब प्लेज कर देते हैं और उसके बाद वो प्लेज को रिलीज नहीं करते, और उनको उसके बाद कोई मतलब नहीं कि लेंडर वहाँ पे स्टॉक को डंप करना शुरू कर दे या रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे नुकसान होना शुरू
हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमें नहीं पता होता कि यहाँ पे प्रमोटर्स एग्जिट ले रहे हैं या वो जेन्युइनली प्लेज कर रहे हैं। कई कारण आपको मीडिया में दिए जाएंगे, लेकिन वो कारण सही हैं गलत हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाती। दोस्तों यहाँ पे छठे नंबर का रिस्क होता है, ऐसा कहा जाता है कि प्लेजिंग इज गुड अगर यहाँ पे प्लेजिंग की गई है, कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे को रेज किया गया है। दोस्तों मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंपनीज को देखा गया है जहाँ पे उन्होंने प्लेज किया, पैसा लिया, कंपनी की ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल किया या डेट को कम करने के लिए किया, लेकिन दोस्तों फिर भी वो कंपनीज रिकवर नहीं कर पाई। क्योंकि हमेशा गोल्डन रूल नंबर वन याद रखिए कि प्लेजिंग तभी की जाती है जब एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये रहती है, प्रमोटर्स के पास ये आखिरी ऑप्शन होती है, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती पैसा रेज करने के लिए। तो अगर कोई कहे कि प्लेजिंग ग्रोथ ऑफ कंपनी के लिए की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है, तो दोस्तों हमेशा रूल नंबर वन याद रखिए कि ये हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होती है। इसका मतलब डूबते को तिनके का सहारा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कंपनीज जो है इससे नहीं उबर पाती, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है या जो मेरी नॉलेज है, उसके हिसाब से 80-90% कंपनी कभी भी इससे उबर नहीं पाती। दूसरा यहाँ पे आखिरी सातवें नंबर का पॉइंट है कि कई बार निवेशक लिखते हैं कि अगर प्लेजिंग का नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए 6% प्लेजिंग थी, अब 5% हो गई, 4% हो गई, तो वो एक अच्छा संकेत है, वहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमेशा प्लेजिंग का जो नंबर है वो 0% होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो प्लेजिंग डिक्रीज की जाती है, वो भी एक जो क्रॉनिक प्लेजर्स होते हैं उनकी एक टेक्निक होती है कि मान लीजिए उन्होंने 5% शेयर्स प्लेज किए, उसके बाद वो प्लेजिंग कम करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो वो और ज़्यादा शेयर्स प्लेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक तरीके का काफ़ी केसेस के अंदर ट्रैप होता है। आप उस ट्रैप के अंदर मत फंसिए। हमेशा एक गोल्डन रूल ध्यान रखिए कि प्लेजिंग जो है वो 0% होनी चाहिए अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश करें। प्लेजिंग एक लास्ट ऑप्शन होती है पैसा रेस करने की। और दोस्तों हमेशा ऐसे स्टॉक से दूर रहिए जिसके अंदर प्रमोटर्स ने प्लेजिंग की हुई है। नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर प्लेजिंग की जाती है वो शॉर्ट करने के लिए अच्छे कैंडिडेट होते हैं, आप काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। आप देखेंगे ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स हमेशा ऐसे स्टॉक्स के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन लेके रखते हैं जहाँ पे प्लेजिंग इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कंपनी जो है काफ़ी बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत में है, और इस वजह से नॉर्मली ऐसे जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर अगर शॉर्ट ट्रेड लिया जाए तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, एग्जांपल देंगे किसी निफ्टी 50 कंपनी का कि भाई ये कंपनी भी प्लेज करती थी, लेकिन आज देखिए इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर जो है वो दुगने से ज़्यादा बढ़ गया था और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट में प्लेजिंग के बावजूद। देखिए दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि 80-90% कंपनी कभी भी नहीं उबर पाती इस प्लेजिंग से, लेकिन यहाँ पे कई बार बिजनेस एनवायरनमेंट फेवरेबल हो जाता है या जिसको कह लीजिए कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से, या जिसको कह लीजिए कि जिस कारण से उस कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, या कई बार जैसे कि मैंने क्रॉनिक प्लेजर्स के बारे में बताया, तो जो क्रॉनिक प्लेजर्स होते हैं उनको एज सच पैसे की आवश्यकता नहीं होती, वो केवल वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बना रहे होते हैं कि हाई प्राइस के ऊपर प्लेज कर दिया जाए, लो प्राइस के ऊपर बाय कर लिया जाए, इस तरीके से वो एक अच्छा खासा अपने लिए एक बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। और दोस्तों एक बहुत हिंदी में मशहूर कहावत भी है कि जब खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान, तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी मेहरबानी हो जाए किसी कंपनी के ऊपर तो ऑब्वियसली वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर
आ जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि प्लेजिंग से संबंधित आपके जितने भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।